नगर निगम द्वारा दी जाने वाली टैक्स में अधिभार की छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। अब तक निगम के खजाने में 250 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है। कोरोना महामारी से मृत हुए 877 व्यक्तियों के परिजनों को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि का वितरण किया जा चुका है। कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी के मुताबिक फिलहाल मामले लंबित हैं, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उसके आसपास के अतिक्रमणों को हटाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में तालाब के किनारे बिना अनुमति लिए सरकारी जमीन पर बनाए गए दो धार्मिक स्थलों को हटाया गया। वहीं कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए आधा दर्जन से ज्यादा जन सुविधा केंद्रों पर ताले चढ़े हैं। ठेकेदार कंपनी विज्ञापन के जरिए लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन जनता को मिलने वाली सुविधाएं तालों में कैद हैं और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। अप्रैल माह से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन मुस्तैद है। विश्वविद्यालय कुलपति कपिल देव मिश्र के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं संचालित की जाएंगी, तो वहीं नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। एमपीपीएससी वर्ष 2019 में हुई परीक्षा की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 29 मार्च को एमपीपीएससी के होने वाले इंटरव्यू को याचिका के निर्णय के अधीन करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं 31 मार्च को लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। निवाड़गंज लटकारी का पड़ाव गुरंदी सहित अन्य इलाकों में शूकरों के आतंक से लोग हलाकान हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शूकर हैं और इन्हें पकड़ने के लिए अभी तक कोई ठेकेदार सामने नहीं आया है, लिहाजा ये न केवल गंदगी फैला रहे हैं बल्कि दुर्घटना का भी सबब बन रहे हैं। रामपुर ब्रिजमोहन नगर में रहने वाली घरेलू कामकाजी महिला को धमकाने और प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान ऑफिस में शिकायत की है कि दबंग परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गोरखपुर थाने की पुलिस कार्यवाही तक करने तैयार नहीं है। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रांची पुलिस के अनुसार महिला के फौजी पति ने भी अलवर शहर स्थित घर में फांसी लगा ली थी, तभी से वो सदमे में थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कशपुरा ब्रिज के नीचे नाले में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के अनुसार शव शिवनगर निवासी फूल विक्रेता हरी सैनी का है, जो शनिवार से लापता था। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपीपीएससी परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई। 31 मार्च को लंबित याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई। और हनुमानताल तालाब के पास फिर चला बुलडोजर। तालाब के पास अतिक्रमण कर बनाए गए दो धार्मिक स्थलों को हटाया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में मचा रहा हड़कंप। नगर निगम द्वारा दी जाने वाली टैक्स में अधिभार की छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। अब तक निगम के खजाने में 250 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह आंकड़ा 280 करोड़ रुपयों के पार पहुंचेगा। नगर निगम में राजस्व वसूली का कुल आंकड़ा 250 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। टैक्स में दी जाने वाली अधिभार की छूट का लाभ उठाकर करदाता टैक्स जमा कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक छूट का यह सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा, उसके बाद अधिभार में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वर्तमान वर्ष 21-22 में हमारे यहाँ मात्र मार्च के 4 दिन बचे हुए हैं। करदाताओं की संख्या में हम अभी 1,70,000 करदाताओं के द्वारा 85 करोड़ की राशि जमा कर दी गई है और हमारे को उम्मीद है कि अभी 15-17 करोड़ रुपए और संपत्ति कर में जमा होगा और विगत वर्ष की तुलना में हम आगे रहेंगे इसमें वसूली में। और वाटर में अभी हम 27 करोड़ के करीब पहुँचे हैं, जबकि पिछले साल हमारा 30 करोड़ के करीब था। इसमें भी हम विगत वर्ष की तुलना में आगे चले जाएंगे और ओवरऑल वसूली जो हमारी अभी है 250 करोड़ हो चुकी है। पिछले साल 210 करोड़ पे थे, हम इसको उम्मीद है हमारे को 280 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 4 दिन शेष हैं, कोई करदाता टैक्स जमा करने से वंचित न रह जाए, इसके लिए कैश काउंटर सुबह 9 बजे से खोले जा रहे हैं। कोरोना महामारी से मृत हुए 877 व्यक्तियों के परिजनों को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि का वितरण किया जा चुका है। कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी के मुताबिक फिलहाल मामले लंबित हैं, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं।
कोरोना काल में कोरोना महामारी से मृत हुए व्यक्तियों के परिवारों को शासन द्वारा अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में अभी तक 877 परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम प्रभारी उमा शंकर अवस्थी ने बताया कि 50 आवेदकों के दस्तावेज अधूरे हैं और उनके भी आवेदन पूरे होने के बाद उनको भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। कोरोना से मृत परिवारों को मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुग्रह राशि का वितरण कलेक्टर जौलपुर के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक हमने 877 लोगों को भुगतान कर चुके हैं। 50 केस मात्र शेष रह गए हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और संबंधित परिवारों से हम डॉक्यूमेंट्स बुलवा रहे हैं और वो भी 50 केस भी हम 2-3 दिन में निपटा देंगे। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उसके आसपास के अतिक्रमणों को हटाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में तालाब के किनारे बिना अनुमति लिए सरकारी जमीन पर बनाए गए 2 धार्मिक स्थलों को हटाया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। हनुमानताल क्षेत्र में अतिक्रमणों पर एक बार फिर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 धार्मिक स्थल हटाए। क्षेत्रीय लोगों की सहमति से बेजा कब्जे हटाए गए। तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य में बाधक बने अतिक्रमणों को तोड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। आज हनुमानताल थाना क्षेत्र में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशों के क्रम में तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के एक कार्रवाई की जा रही है। तालाब क्षेत्र में जिन लोगों ने भी निर्धारित सीमा से अधिक सीमा में अतिक्रमण कर रखे हैं उन सभी को आज तोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2 और स्थल जो कि मंदिर और एक मजार के रूप में थे उनको भी दोनों धार्मिक समुदायों की सहमति से आज मौके से अलग किया गया है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं वो क्रमिक रूप से हटाए जा रहे हैं। अभी सुबह से 3 से 4 अतिक्रमण तालाब क्षेत्र में हटाए जा चुके हैं और कार्रवाई अनवरत जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए चलाई जा रही कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए आधा दर्जन से ज्यादा जन सुविधा केंद्रों पर ताले चढ़े हैं। ठेकेदार कंपनी विज्ञापन के जरिए लाखों रुपए कमा रही है लेकिन जनता को मिलने वाली सुविधाएं तालों में कैद है और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। कलेक्ट्रेट सिविक सेंटर, छोटी लाइन, रामपुर तिराहे सहित शहर के कई स्थानों पर बनाए गए जन सुविधा केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। यानी जन सुविधा केंद्र के टॉयलेट जनता उपयोग नहीं कर पा रही है लेकिन ठेकेदार कंपनी द्वारा विज्ञापनों के जरिए लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार कंपनियों से दोस्ती निभाई जा रही है जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। नगर निगम ने जन सुविधा केंद्र बनाई है, बहुत अच्छा कार्य करी है और एड भी बखूबी बहुत अच्छा दी है, परंतु सवाल इस बात का है कि उसमें ताले क्यों लटका के रखी है जिसमें आम नागरिकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कितने जगह देखे आपने? हमने कलेक्ट्रेट में देखे, छोटी लाइन फाटक में देखे, इसमें ताले ही लटके हुए। शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, जन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की जरूरत है लेकिन उसके विपरीत जन सुविधाओं पर ताले लगे हैं जिसकी वजह से नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल माह से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन मुस्तैद है। विश्वविद्यालय कुलपति कपिल देव मिश्र के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं संचालित की जाएंगी तो वहीं नकल रोकने के लिए भी उड़न दस्तों का गठन किया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा अप्रैल माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुलपति कपिल देव मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार परीक्षाओं का शेड्यूल निर्धारित किया गया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के जो प्रोटोकॉल है चाहे भारत सरकार का हो और चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश शासन का हो अथवा स्थानीय प्रशासन
अथवा हमारे छात्रों के जो सुझाव आते हैं उसका ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय उसी तरह की तैयारी कर रही और अच्छे ढंग से सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। चालू हो जाएंगे और जो जो मध्य प्रदेश का एकेडमिक कैलेंडर है उसी के अनुसार चालू होकर के निश्चित तिथि पर होगा। जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसमें अप्रैल माह में है और चूंकि तिथि अभी निर्धारित नहीं किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से हम प्रारंभ कर लेंगे, अक्षरशः कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। वहीं नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमपीपीएससी वर्ष 2019 में हुई परीक्षा की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 29 मार्च को एमपीपीएससी के होने वाले इंटरव्यू को याचिका के निर्णय के अधीन करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं 31 मार्च को लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। वर्ष 2019 में हुई एमपीपीएससी परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए जाने और परीक्षा की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 29 मार्च को आयोजित होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी याचिका के निर्णय के अधीन रखा जाएगा। वहीं 31 मार्च को याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि शासन के द्वारा नियमों में जो संशोधन किया गया था जिसमें कम्युनल रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों की त्वरित सुनवाई नहीं की जा रही है और प्रक्रिया डे टू डे बढ़ती जा रही है और इंटरव्यू के बाद सारी पिटीशनें सारहीन हो जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया था 21 मार्च को कि इनको प्रायोरिटी पर सुना जाए। तो माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसमें विशेष बेंच गठित करके आज माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजयपाल साहब की डिवीजन बेंच में प्रकरण लिस्टेड थे और माननीय न्यायालय ने आज पुनः एक अंतरिम आदेश जारी करके जो 29 तारीख से इंटरव्यू होने वाले हैं वो भी इस याचिका के निर्णयाधीन करते हुए प्रकरणों की अंतिम सुनवाई 31 मार्च 2022 निर्धारित की है। निवारगंज लटकारी का पड़ाव गुरंदी सहित अन्य इलाकों में शूकरों के आतंक से लोग हलाकान हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शूकर हैं और इन्हें पकड़ने के लिए अभी तक कोई ठेकेदार सामने नहीं आया है, लिहाजा ये न केवल गंदगी फैला रहे हैं बल्कि दुर्घटना का भी सबब बन रहे हैं। निवारगंज लटकारी का पड़ाव और गुरंदी क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में शूकरों की धमाचौकड़ी जारी है जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान है। क्षेत्रीय जनता के अनुसार जगह जगह डेरा जमाए शूकर न केवल गंदगी फैलाकर संक्रामक रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि दुर्घटना की वजह भी बन रही हैं। लोगों ने निगम प्रशासन से शूकरों को पकड़वाने के लिए अभियान चलाने की मांग की है। भैया शुगर यहाँ बहुत ज्यादा है और उनसे बहुत परेशानी जा रही है, आप उसका क्या, क्या समाधान कर? क्या करते हैं वो? गंदगी है और क्या है, घरों के अंदर भी आ जाते हैं। हाँ क्या नहीं खुला पाते हैं तो इधर आते कानी बहुत वाले गाय पकड़ के ले जाते हैं, नगर निगम वाले कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, बाकी सुअर कोई पकड़ने नहीं आता। कि अभी देखना थोड़ी देर में अभी कोई साइकिल वाला गिरेगा, कोई गाड़ी वाला भिड़ेगा, आने जाने वालों को भी परेशानी है और खोदती जो है वो अलग। मेरा मकान बन रहा था तो रात को यहाँ पर क्या बोलते कि चौकीदारी करना पड़ती, जगना पड़ता कि रुअत फैलाए ना, और सवेरे सवेरे गंदगी तो रहती है, रात में भी गंदगी रहती है और सवेरे भी यहाँ आते जाते मैं लोगों कई बार गाड़ियों से गिर चुके हैं, बीच में आ जाते हैं और मजबूत भी रहते हैं इसलिए उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जिसकी गाड़ी टकराती है उसकी तो खटिया खड़ी हो जाती है। रामपुर ब्रिजमोहन नगर में रहने वाली एक घरेलू कामकाजी महिला को धमकाने और प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान ऑफिस में शिकायत की है कि दबंग परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गोरखपुर थाने की पुलिस कार्यवाही तक करने तैयार नहीं है। एक घरेलू कामकाजी महिला ने एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल को लिखी शिकायत दी है कि रामपुर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुफ्त में घर का काम कराने की कोशिश की जा रही है और नहीं करने पर जान से मारने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी गोरखपुर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। 4 साल पहले डॉक्टर पूनम प्रसाद के घर पर काम करती थी, फिर छापर में रहती थी वहीं में, तो ये मैडम मुझे पूरा घर का काम करवाती थी। उनके 3 मंजिला मकान है घर का, ऊपर नीचे घर संभालने का, उनके बच्चों का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो पूरा काम था सारा करती थी।
और काम करने के बाद उन्होंने 2500 में पहले बात की और 2500 रुपये देने की, पर मुझे 2500 रुपये आज तक कभी दी नहीं उन्होंने। काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पति को जेल भेजा दूंगी, तुम्हारे बच्चों को नुकसान दूंगी मैं, और तुम बस मुझे बाल पकड़ के मारना, तुम कहना नहीं मानोगी तो मारना, ऐसे करना। और किसी दूसरे के घर में काम करने को मैं सोचती थी कि आप ऐसा कर रहे हो दीदी, मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी, दूसरे के यहाँ जाके करूँगी, तो दूसरे के यहाँ जाके मुझे धमकाने लगती थी कि घर जाओ वहाँ काम करो, बाहर से ताला लगा के चली जाती थी ये बाहर, और मैं दिन भर इनके घर में रही आती थी। मैं अपने घर में छापर में रहती थी, अब मैं मांडा बस्ती में रहने लगी हूँ। शिकायत सुनने के बाद एडिशनल SP ने पीड़ित महिला को निष्पक्ष कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अपने शिकायत में बताया है कि वो पूनम प्रसाद जी के यहाँ घरेलू काम करती थी, और अब वो चूँकि दूर पड़ता है इसलिए वहाँ काम नहीं करना चाहती, किंतु पूनम प्रसाद ज़बरदस्ती उनके पीछे काम कराने के लिए लगे हुए हैं। इस प्रकार की शिकायत तो उन्होंने कुछ परेशान किया है, इस टाइप से उन्होंने शिकायत अभी दी है। इस शिकायत की जांच हम प्रॉपर तरीके से कराएंगे, और जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में है, पुलिस ने समय पर कार्यवाही नहीं की तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रांची पुलिस के अनुसार महिला के फौजी पति ने भी अलवर शहर स्थित घर में फांसी लगा ली थी, तभी से वो सदमे में थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रांची मानेगांव निवासी महिला सरिता तिवारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रांची पुलिस ने बताया कि सरिता के पति ने भी 3 दिन पहले राजस्थान के अलवर स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही सरिता दुखी थी और उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। संतोष कुमार तिवारी की वाइफ सरिता तिवारी ने जो है बाथरूम में करीब नहीं तो 1:30-2 बजे के आसपास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया जो है सूचना प्रमाण कायम कर जाँच में दिया गया है। FSL अधिकारी फोटोग्राफर को मौके पर बुलाया गया था, मेरे द्वारा भी घटना की तस्दीक की गई, FSL अधिकारी के द्वारा भी घटना की तस्दीक की गई है। अभी तक जो है कुछ विशेष जानकारी ऐसी नहीं आई है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि पति पत्नी के बीच में संभवतः कोई डिस्प्यूट रहा होगा, क्योंकि पूर्व में आज से 2-3 दिन पहले पति ने पहले आत्महत्या कर ली और आज जो है पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। प्रकरण पंजीकरण का जाँच में लिया गया है और जाँच पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कशपुरा के नीचे नाले में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के अनुसार शव शिवनगर निवासी फूल विक्रेता हरि सैनी का है, जो शनिवार से लापता था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस के द्वारा परिजनों और मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि रविवार को दोपहर में हरि का शव कशपुरा ब्रिज के नीचे मिला था। बहरहाल पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।